मेरा नाम है शुभम पांडे और आप सभी का स्वागत हमारे चैनल टेक्निकल शुभम पांडे में। आज मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट आइकन चेंजर की। तो जो आप ऐप यूज कर रहे हैं तो उसमें जो आइकन आता है ऐप का, उसे आप चेंज करके अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। कोई भी आपके पास अगर कोई भी पिक्चर पड़ी हुई है तो आप उसे लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप का नाम है आइकन चेंजर फ्री। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, मैं इसको ओके करता हूँ। इस पर जब ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे जो ये आइकन, तो यहाँ एप्लीकेशन जो भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल हैं वो सभी खुल जाएंगी। तो आपको जिस भी एप्लीकेशन का आइकन चेंज करना हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जीमेल ले लेता हूँ। तो जीमेल ये देखिए, इसका जो टाइटल है, टाइटल भी आप अपना चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। मैं जीमेल ही रखूँगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि चेंज, मैं चेंज पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रिसेट, डिफ़ॉल्ट आइकन, गैलरी, आइकन पैक। तो यहाँ पर मैं गैलरी करूँगा। तो जो गैलरी में हमारी फ़ोटो पड़ी हुई हैं उन्हें मैं सेलेक्ट करूँगा। देखिए मैं गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो मैं सिलेक्ट करूँगा। इस फोटो को आप जितना भी क्रॉप करना चाहें उतना कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर क्रॉप इतना कर लेता हूँ, क्रॉप पर ओके कर देता। अब यहाँ पर देखिए ओके का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो आइकन हमारा वो चेंज हो गया है। तो चलिए अब हम होम पर चलते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं जो हमारा आइकन है वो चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर ये जीमेल का आइकन आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा जीमेल जो है वो खुल जाता है। तो इसी प्रकार से आप अपने भी कोई भी ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।